हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सबसे पहले आप सबसे कहना चाहूँगी, मैं जितनी आप लोगों के लिए मेहनत कर रही हूँ ना, आप उतना रिटर्न नहीं दे रहे हो, तो प्लीज़ वीडियोस को लाइक ज़रूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर आप चाहते हो मैं इसी मोटिवेशन के साथ आपके लिए वीडियो बनाती रहूँ, मैं कितने अच्छे से और कितनी वीडियो शेयर करूँगी वो आप पर डिपेंड करता है। आप जो चाहोगे उस पर वीडियो होंगी, बट आपको मोटिवेट करना ज़रूरी है मुझे, है ना। तो उस वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना और प्लीज़ शेयर भी कर देना। फिजिकल केमिस्ट्री के नोट्स आप चाहते थे, तो आज का मेरा टॉपिक है फिजिकल केमिस्ट्री का सेकंड सेमेस्टर का, जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और लॉन्ग में आता है, एक्टिवेशन थ्योरी ऑफ बायोमोलिकुलर रिएक्शन। ठीक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और न्यूमेरिकल टाइप है, यानी कि मैथमेटिकल पोर्शन भी है इसमें, जो कि मैं आपको समझाऊंगी इस पूरी वीडियो में। तो पूरी वीडियो देखनी है, स्किप नहीं करना है। साथ ही साथ आप स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हो, ज़्यादा जल्दी की मैंने कोशिश नहीं की है। बहुत सारे स्टूडेंट्स की रिक्वेस्ट थी दी हम स्क्रीनशॉट नहीं ले पाते, तो देखिए मैं पीडीएफ भी शेयर कर देती हूँ, आप पीडीएफ डाउनलोड कर लिया करो। मोस्टली मैं कोशिश करूँगी जो अब तक मैंने पीडीएफ की बुक्स बनाई हैं उनके लिंक देने की, तो डिस्क्रिप्शन चेक कर लेना। चलो अब स्टार्ट करते हैं आज के टॉपिक को पढ़ना। एक्टिवेशन थ्योरी ऑफ बायोमोलिकुलर रिएक्शन। दिस थ्योरी वाज डेवलप्ड बाय एरिंग एंड पॉलाइनल इन 1935। दिस रिएक्शन इज ऑल्सो नोन एज ट्रांजिशन स्टेट थ्योरी एंड एब्सोल्यूट रिएक्शन रेट थ्योरी। यानी कि ये जो रिएक्शन है, सॉरी जो थ्योरी है, वो दो नामों से आ सकती है। ट्रांजिशन स्टेट थ्योरी के नाम से आएगी तो भी आपको यही थ्योरी लिखनी है, और एब्सोल्यूट रिएक्शन रेट थ्योरी के नाम से आएगी तो भी ये लिखनी है। यानी कि तीनों इसके नाम है, कन्फ्यूज मत होना। यहाँ कन्फ्यूजन पैदा होता है क्योंकि आपको लगता ही नहीं है कि ये लॉन्ग में आपने पढ़ा है, जबकि आपने पढ़ा हुआ है। तो कन्फ्यूज मत होना, ये लॉन्ग का क्वेश्चन है, लॉन्ग में आएगा और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप इसके रिगार्डिंग कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी हैं जिन्हें हम एज अ पोस्टुलेट्स पढ़ते हैं, तो चलिए स्टार्ट कर देते हैं। नंबर वन, द रिएक्शन मॉलिक्यूल अप्रोच ईच अदर एंड देयर इज कंटिन्यूस चेंज इन अ बॉन्ड डिस्टेंस। सेकेंड, द एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स पॉजेस एनर्जी, दस एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स इज वेरी अनस्टेबल। यहाँ पे हिंदी में समझाने जैसा कुछ नहीं है, इसलिए मैं कोशिश नहीं कर रही हूँ कि आपको हिंदी में समझाऊँ। ठीक है, थोड़ी सी कोशिश करो, मेरे नोट्स आपको इंग्लिश में तो मिलते हैं, बट मैं हिंदी में समझाती हूँ। बट जहाँ ज़रूरत ही नहीं है, सिंपल लैंग्वेज है, वहाँ आप खुद से कोशिश करो कि आप खुद समझ पाओ वो चीज़। ठीक है, ये आपके लिए बेनिफिशियल है। मैं तो एक सेकंड में बता दूंगी हिंदी या इंग्लिश, बट आप लोग थोड़ा थोड़ा ट्राई करना स्टार्ट करो। अब आ जाते हैं थर्ड पॉइंट पे, जो है द रिएक्टिव मॉलिक्यूल फ्रॉम एन एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स विच इज़ इन इक्विलिब्रियम विद द रिएक्शन, देन द एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स डिकम्पोज टू फॉर्म द प्रोडक्ट। Then rate of reaction is given by rate of decomposition. ये सारे main points हैं इसके, जो पांचों आपको याद करने हैं। अब देखिए, जितना आपने पढ़ा है, यानी कि जो मैंने थ्योरी में इस वीडियो में बताया है, वो आपका अगर सिर्फ थ्योरी के नाम से आएगा तो वो शॉर्ट में आएगा। इसी टाइप से आप समझ लो, अगर शॉर्ट में दिया हुआ है एक्टिवेशन थ्योरी या ट्रांजिशन रेट थ्योरी, तो आपको सिर्फ थ्योरी लिखनी है, यानी कि शॉर्ट के अकॉर्डिंग लिखना है। बट अगर आपका लॉन्ग में आता है तो विद मैथमेटिकल ट्रीटमेंट आपको देना है, यानी कि दोनों चीज़ें देनी पड़ेंगी और ये चीज़ आप पर डिपेंड करती है। वो आपसे नहीं कहेगा, कह भी सकता है, बट इन केस नहीं भी कहे, लॉन्ग में आ जाए और आपसे ना कहे कि मैथमेटिकल ट्रीटमेंट दो, तो वो आपको खुद बताना है कि इसका मैथमेटिकल डेरिवेशन क्या है। ठीक है, अब चलो देख लेते हैं। लेट अस कंसीडर बायोमोलिकुलर रिएक्शन बिटवीन अ मॉलिक्यूल ए एंड बी। यानी कि जब हम बायोमोलिकुलर रिएक्शन देखते हैं तो उसमें दो मॉलिक्यूल है, मान लीजिए ए और बी, देन मैकेनिज्म ऑफ फॉर दिस रिएक्शन ए प्लस बी इज इक्वल टू क्या आपका एक्स आ जाएगा। ठीक है, यानी कि एक्स स्टार आप मान लो, देन उसकी रिएक्शन अगेन कराएंगे तो आपको प्रोडक्ट मिल जाएगा। ठीक है, एक्स स्टार के नाम से ही मैं हमेशा इसे प्रोनाउंस करती हूँ, तो आप भी इन पॉइंट्स को ऐसे ही करो, क्योंकि आपको पढ़ना है तो आप अपने अकॉर्डिंग पढ़ो, जिससे कि आपको वो चीज़ इजीली याद रहे और आपको समझ भी आए। देन के इज इक्वल टू, आप सबको पता है इक्विलिब्रियम कॉन्स्टेंट होता है, देन के स्टार इज इक्वल टू आपका आ जाएगा एक्स स्टार अपॉन ए इंटू बी। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हो के स्टार से आपका ये बन जाएगा, यानी कि फर्स्ट जो स्टेप था वो इन प्रेजेंस ऑफ के स्टार था, के स्टार की जगह आप कुछ और मान सकते हो, बट ये यहाँ पे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है। देन आपको जो सेकंड पॉइंट स्टेप मिल जाएगा इसमें, ये इसके अपोजिट आ जाएंगे एक्स स्टार के, एंड ये सब के इक्वल टू हो जाएगा। देन नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, के स्टार इंटू ए इंटू बी की मल्टीप्लाई हो जाएगी और वो इक्वल टू किसके हो जाएगा, एक्स स्टार की, यानी कि ये जो है उसकी हम मल्टीप्लाई करके सीधा एक लाइन में इन्हें ले आएंगे, तो आपको पता ही है के स्टार, सॉरी एक्स स्टार इज इक्वल टू के स्टार ए इंटू बी आपका हो जाएगा। K
क्लियर हुआ है यहाँ तक का? ये मैं आपको ऐसे बता रही हूँ जैसे एक स्टूडेंट याद करता है, स्टूडेंट समझता है। एज अ टीचर मैं आपको कोई भी चीज़ें नहीं समझाती हूँ, क्योंकि एज अ टीचर आप अपने कोचिंग्स में देखते होगे या कॉलेज में पढ़ते होगे, बट वो चीज़ें इतनी अच्छे से समझ नहीं आती जितनी अच्छे से सिंपली समझ आती है। इसलिए मेरा हमेशा रहता है कि मैं आपको सिंपल वे में उसी तरीके से समझा पाऊँ जिस तरह से मैं खुद समझती थी कभी। ठीक है, तो चलो अब चलते हैं नेक्स्ट स्टेप। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी dx अपॉन dt इज इक्वल टू होता है कंसंट्रेशन ऑफ एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स मल्टीप्लाई रेट ऑफ डिकम्पोजिशन। यानी कि ये फॉर्मूला है dx अपॉन dt होता है आपका कंसंट्रेशन ऑफ एक्टिवेटेड मॉलिक्यूल की इज इक्वल टू मल्टीप्लाई रेट ऑफ डिकम्पोजिशन। ठीक है, यानी कि इन दोनों की मल्टीप्लाई, ये आपकी रिएक्शन निकलती है। देन यहाँ पे आप जो है dx अपॉन dt इज इक्वल टू क्या है, ये कंसंट्रेशन ऑफ एक्टिवेटेड मॉलिक्यूल जो आप ऊपर से देख सकते हो वो कितनी थी, एक्स स्टार थी, मल्टीप्लाई रेट ऑफ डिकम्पोजिशन आपका यू ही रहेगा। तो ये यहाँ से आपको इक्वेशन टू मिल जाएगी। क्लियर है ना, ये फॉर्मूला याद रखना है बस, और एक्टिवेटेड मॉलिक्यूल जो कंसंट्रेशन है वो यहाँ पे पुट कर देनी है और तो मिल जाएगा। देन फ्रीक्वेंसी ऑफ डिकम्पोजिशन इज इक्वल टू ई वाइब्रेशनल अपॉन एच वी आई बी। ठीक है, ये शॉर्ट में लिखा हुआ है, वाइब्रेशनल है। देन यहाँ पे हम देखेंगे ई वी आई बी इज इक्वल टू वाइब्रेशनल एनर्जी है, एच इज इक्वल टू प्लैंक कॉन्स्टेंट है, आपको ऑलरेडी पता होगा एच इज इक्वल टू क्या होता है। देन यहाँ से अब हम देखेंगे, हमें ऑलरेडी पता है कि ई वाइब्रेशनल इज इक्वल टू के टी इज इक्वल टू, यानी कि जो ई वाइब्रेशनल है वो के टी के बराबर होती है। अब k इज इक्वल टू होता है, हमें पता है r अपॉन एन के। ठीक है, ये वैल्यूज हैं जो ऑलरेडी है, तो k t इज इक्वल टू हम कर देंगे r, k की वैल्यू रख देंगे r अपॉन एन, और t आपका सेम रह जाएगा। ठीक है, तो इक्वेशन थ्री आपको ये मिल जाएगी। अब इक्वेशन फर्स्ट मिल गई, इक्वेशन टू मिल गई और इक्वेशन थ्री मिल गई, बहुत इजी वे में मैंने आप लोगों को समझाया है। अब चलते हैं नेक्स्ट स्टेप पे। अब जो हमारी वैल्यू आई उसे हम इक्वेशन टू में पुट करेंगे, तो हमें क्या मिल जाएगा, dx अपॉन dt इज इक्वल टू k स्टार इंटू rt अपॉन nh। ठीक है, nh कहाँ से मिलेगा, उस आपका जो फॉर्मूला था ना डिकम्पोजिशन वाला, वहाँ से, यानी कि इक्वेशन टू से। अब आपके सामने आ जाएगा rt अपॉन जो nh है वो है रेट ऑफ डिकम्पोजिशन। ठीक है, यहाँ तक का क्लियर है। देन अब आप देखोगे x स्टार आपका क्या था, x स्टार इज इक्वल टू k स्टार इंटू a इंटू b था, इक्वेशन फर्स्ट की बात कर रही हूँ, तो यहाँ पे x स्टार की वैल्यू हम पुट कर देंगे और rt अपॉन nh आपका यू ही रहेगा। क्लियर, ये वैल्यू हमने यहाँ पे पुट करी इक्वेशन टू से लेके, सॉरी इक्वेशन फर्स्ट से लेके, एंड देन rt अपॉन nh हमने इक्वेशन टू से पुट करी थी, तो ये आपकी इक्वेशन बन जाएगी फोर्थ। आई होप आपको यहाँ तक का क्लियर हो रहा है। देखो मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ, बट आप अच्छे से समझो, एक बार में समझ नहीं आ रही दोबारा देखो, बिल्कुल समझ आएगी, समझ के आपको रट जाएगी अगर आप ढंग से देखोगे। देन कन्वर्टिंग रिएक्टेंट इनटू प्रोडक्ट। अब क्या करेंगे, जो रिएक्टेंट लिए थे हमने उन्हें हम प्रोडक्ट में कन्वर्ट करेंगे, वो कैसे, dx अपॉन dt इज इक्वल टू k a इंटू b, यानी कि स्टार हमने रिमूव कर दिया। अब आपकी इक्वेशन फाइव आ गई है, अब हम दोनों इक्वेशन इक्वेशन फोर और फाइव को इक्वल इक्वल कर देंगे, है ना। देन अब यहाँ पे वैल्यू देख लो, के ए इंटू बी इक्वेशन फाइव इज इक्वल टू इक्वेशन फोर ले ली, और ये आपका जो मेन था वो निकल के आ गया। अब हम क्या करेंगे, हमें पता है अकॉर्डिंग टू थर्मोडाइनेमिक इन्हें इक्वल करने के बाद ए इंटू बी, ए इंटू बी दोनों साइड हैं तो दोनों क्रॉस करके कट हो जाएंगे और आपको मिल जाएगा के इज इक्वल टू के स्टार इंटू आर टी अपॉन एन एच, ये आपकी फाइनल वैल्यू आएगी। देन हम जानते हैं के स्टार जो है वो रिलेटेड करता है डेल्टा जी स्टार से, तो यहाँ पे हम वैल्यू पुट कर देंगे डेल्टा जी स्टार इज इक्वल टू माइनस आर टी आई एन के स्टार, और यहाँ से आपकी जो मेन इक्वेशन है वो कंप्लीट हो जाती है। और आई होप आपको समझ आई होगी, आराम से वीडियो देखो, एक से दो बार समझो, बहुत ईजी वे में समझाया है, और समझ आई हो तो प्लीज़ एक वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए अपने सभी फ्रेंड्स फैमिली मेम्बर्स के साथ, जिससे कि मुझे भी सपोर्ट मिले, मैं और मोटिवेशन के साथ आपके लिए वीडियो बना पाऊँ। जो वीडियो जितने ज़्यादा मोटिवेशन के साथ बनेगी वो उतनी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होती है और आपको समझ भी आती है, तो प्लीज़ थोड़ा सा सपोर्ट कर दीजिए। आई नो आप सब मुझे सपोर्ट करते हो, बट उस सपोर्ट के लिए आपको मेरी वीडियोज़ को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना होता है, तो आपका इतना ग्रुप होगा, आपके फ्रेंड्स होंगे, तो प्लीज़ उनके साथ ज़रूर शेयर कर दीजिए। यहाँ पर मैं वही लिख रही हूँ कि के स्टार जो है वो रिलेटेड करता है डेल्टा जी स्टार से, और बस यहाँ पर आपका जो टॉपिक है वो कम्प्लीट हो जाता है। सो बाय बाय, मिलती हूँ कल एक नए वीडियो के साथ इसी मोटिवेशन के साथ, तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार ज़रूर देना।